सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं Xiaomi Mi A2 के बारे में। तो अगर आप Xiaomi Mi A2 का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये हो सकती है, क्योंकि Xiaomi Mi A2 या फिर कह लीजिए कि Xiaomi Mi 6X को टीना में लिस्टेड कर दिया गया है। जी हाँ, टीना वो वेबसाइट है जहाँ पर जो फ़ोन को लॉन्च होने से पहले वहाँ पर सर्टिफाइड होना पड़ता है, तो वहाँ पर उसे लिस्टेड कर दिया गया है। और कुछ फ़ोटोज़ भी इस फ़ोन के बारे में निकल के सामने है, जिस तरह से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, और कुछ स्पेस भी इस फ़ोन के बारे में निकल के सामने आ गई है। तो अगर आप सोच रहे थे कि आप Xiaomi Redmi Note 5 Pro को स्किप कर देंगे और डायरेक्ट ही आप Mi A2 या फिर कह लीजिए कि Mi 6X को लेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लोग Mi A1 या फिर कह लीजिए कि Mi 5X का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे उसके सक्सेसर का, तो फाइनली ये कुछ दिनों में आपको दिखाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कल ये फ़ोन को लॉन्च किया जा सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि कल Xiaomi का Mi Mix 2S को चाइना में लॉन्च किया जाएगा 27 मार्च को, तो शायद कल पेश हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कोई कंफर्मेशन डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। तो इस फ़ोन के बारे में कुछ स्पेस भी निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसमें आपको 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 18:9 स्क्रीन एस्पेक्ट के साथ आने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसमें आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये कितना मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा, 12+12 मिलता है या फिर 13+13, ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा। इस फोन में एक मुझे डिसपॉइंट वाली बात लगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है 2910 mAh की बैटरी। जी हाँ, 2910 mAh की बैटरी, तो इतना कम बैटरी आपको दिखाया जा रहा है इस फ़ोन में। और आपको पता है कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2910 mAh की बैटरी दिखाया जा रहा है। तो एटलीस्ट बैटरी हमें ज़्यादा देना चाहिए था, लेकिन बैटरी यहाँ पर कम ही दिया रहा है। आप लोगों को पता है कि Mi A1 में आपको लगभग 3080 या फिर 3000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी, लेकिन जो Xiaomi Redmi Note 4 था उसमें आपको 4100 mAh की बैटरी देखने को मिली थी। वही बात है, अगर सभी फ़ोन में अगर एक ही टाइप का बैटरी दे तो फिर उस फ़ोन की वैल्यू क्या रह जाएगी। Xiaomi ये भी देख रहा है कि कहीं Xiaomi Mi A2 के आने से Xiaomi Redmi Note 5 Pro में कहीं सेल में कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो कुछ स्पेस में हमको कम ही देखने को मिलेगी। लेकिन फ़ोन काफ़ी धमाका होगा, क्योंकि Mi A1 को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए थे और अभी भी लोग उसे बहुत ज़्यादा ले भी रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है और कब इस फ़ोन को लॉन्च करता है। मुझे कोई भी अपडेट मिलता है सबसे पहले आपको हमारे चैनल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।